हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की। तो अगर इस पॉइंट के इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी कंक्रीट के सुकारता के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जितने भी हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, तो कंक्रीट में वर्केबिलिटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या है, कंक्रीट का सुकारता किसे कहते हैं? देखिए, कंक्रीट की वर्केबिलिटी, कंक्रीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जिससे कंक्रीट को मिक्सिंग, उसकी प्लेसिंग और उसकी फिनिशिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती है। या आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कंक्रीट पर जब वर्क करना आसान हो, तो कंक्रीट का जो गुण है जिससे के कारण हम कंक्रीट पर आसानी से वर्क कर पा रहे हैं, तो वही गुण हमारा क्या कहलाता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी यानी कंक्रीट की सुकारता कहलाता है। तो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है, उसके स्पेसिफिकेशन हमें कोड में दिए गए हैं, उस कोड का नाम हमें बहुत ज़्यादा याद रखना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वर्केबिलिटी के जितने भी स्पेसिफिकेशन है, यानी वर्केबिलिटी का जो मेन स्पेसिफाइड कोड है, वो क्या है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 1199। यानी इंडियन स्टैंडर्ड 1199 हमें कंक्रीट की वर्केबिलिटी के बारे में नॉलेज देता है, यानी उसके स्पेसिफिकेशन बताता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि वर्केबिलिटी को हम कैसे मेजर कर पाते हैं, यानी कंक्रीट हमारी ज़्यादा वर्केबल है, कम वर्केबल है, इसके मेजरमेंट के कौन कौन से मेथड हैं। तो हमारे ये चार पांच मेथड हैं, देखिए, स्लम प्रो, बीबी कंसिस्टोमीटर, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड कैलिबॉल टेस्ट। तो ये चार पांच उम्मीद करता हूँ आपको नहीं पढ़े होंगे, पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका वर्केबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं वर्केबिलिटी के मेजरमेंट के साथ साथ, अभी हम बात करेंगे इन पॉइंट्स पर, अभी बाद में आते हैं, पहले पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, यानी वर्केबिलिटी को प्रभावित करने वाले हमारे कौन कौन से कारक हैं, यानी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वर्केबिलिटी, कब ज़्यादा हो जाएगी, कब वर्केबिलिटी का मान कम हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट पर बारीकी से अध्ययन करते हैं। देखिए, एग्रीगेट अपॉन सीमेंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कभी भी कंक्रीट में एग्रीगेट और सीमेंट, एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो को मैं बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो अगर बढ़ा देंगे, तो हमारी एग्रीगेट की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर हम एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो को बढ़ा देंगे, तो हमारी एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो कंक्रीट में सपोज कीजिए, यहाँ पर दो बॉक्स लिए गए और एक बॉक्स में हमारे पास बहुत छोटे कम पार्टिकल हैं, और इसमें हमने 1 किलो सीमेंट डाल दिया। दूसरा हमने क्या कर दिया, हमने एग्रीगेट की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी, तब हमने क्या कर दिया, इसमें अभी हमने 1 kg सीमेंट डाला हुआ है। तो देखिए, 1 kg सीमेंट इसमें भी है, 1 kg सीमेंट इसमें भी है, तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर होगा, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स के चारों ओर सरफेस है, उसके लिए हमें ज़्यादा सीमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि लुब्रिकेटेड जो एरिया है, यानी जो हम जिस एरिया की लुब्रिकेटेड करने वाले हैं, वो लुब्रिकेटेड एरिया बढ़ गया है। तो इस पे क्या हुआ है, इसमें हमारे पार्टिकल्स कम है, तो पार्टिकल्स ज़्यादा मात्रा में इन पार्टिकल्स के चारों ओर चिपक जाएगा, तो हमारी क्या होगा, उस पर हमारा वो कोहेसिवनेस ज़्यादा आएगी, यानी इस पर हम इस केस में ज़्यादा अच्छी तरह सीमेंट कंक्रीट पर वर्क कर पाएंगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं आप कि जब भी कभी एग्रीगेट की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो एग्रीगेट की मात्रा अगर बढ़ाएंगे, तो जिस हमारे कंक्रीट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा सीमेंट की आवश्यकता होगी, लेकिन सीमेंट तो हम नहीं बढ़ा रहे, सीमेंट हम उतना ही डाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, देखिए, एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो में अगर बढ़ाने पर एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, एरिया लुब्रिकेशन का ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में वर्केबिलिटी का मान कम हो जाएगा। यानी हम यहाँ से इस रिजल्ट पर पहुँचे कि वर्केबिलिटी का मान हमारा डिपेंड करता है एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो पर। इसका उल्टा करके देखें, अगर आप वर्केबिलिटी अपॉन एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो घटा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट की मात्रा कम कर रहे हैं, तो एग्रीगेट की मात्रा कम कर रहे हैं, सपोज करो पहले यहां पर थे हम, तो एग्रीगेट की मात्रा अगर हमारी कम हो जाएगी, तो इसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, इसका अपोजिट तो आप खुद ही कर लेंगे, एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो अगर बढ़ता है, तो एग्रीगेट की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारे पास ज्यादा स्टोन आ जाएंगे, और ज्यादा स्टोन के चारों ओर ज्यादा सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम तो सीमेंट मिला ही नहीं रहे, सीमेंट को हमने उतना ही मिलाया हुआ है, तो उस केस में हमारी इसमें वर्केबिलिटी, यानी इसमें हम कंक्रीट पर आसानी से वर्क नहीं कर पाएंगे, ये कंक्रीट हमारी कुछ रूच कंक्रीट एंड रफ कंक्रीट की तरह बिहेव करेगी, तो इसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन। तो हमें यहां से एक पॉइंट समझ में आया कि अगर हम कंक्रीट एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो अगर बढ़ाते हैं, तो वर्केबिलिटी का मान हमेशा क्या होगा, वर्केबिलिटी का मान हमेशा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका उल्टा करके देख रहे हैं, अगर एग्रीगेट अपॉन सीमेंट रेशियो घटाएंगे, तो फिर हमारा वर्केबिलिटी का मान बढ़ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अब हम वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो पर, कि वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो से हमें क्या मिलने वाला है, तो देखें जरा।
वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो की अगर हम बात करें, वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो, एक तो देखें आप इसमें ध्यान के रखना कि अगर वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो का मान अगर हम बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि देखिए वाटर की मात्रा अगर आप बढ़ाएंगे तो उस केस में सीमेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप वाटर बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हमारी वर्केबिलिटी का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो के मान अगर बढ़ाने पर वर्केबिलिटी का मान हमारा बहुत ही ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अगर हम वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं तो उस केस में वर्केबिलिटी का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसी भी सीमेंट कंक्रीट में। आगे हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर बात करते हैं। देखिए साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें कि एक बॉक्स में हमारे बड़े बड़े पार्टिकल हैं और दूसरे बॉक्स में हमारे बड़े बड़े पार्टिकल हैं, यहाँ 6, और दूसरे बॉक्स में छोटे छोटे पार्टिकल रख देते हैं हम, और ये छोटे पार्टिकल हम रखते हैं इस तरह से 4 लाइन में रख देते हैं, 12 पार्टिकल कर लेते हैं इसको हम, 16 पार्टिकल बना दिए मैंने यहाँ पर। तो देखें एक बॉक्स में हमारे बड़े पार्टिकल हैं, दूसरे बॉक्स में हमारे कम पार्टिकल हैं लेकिन ज़्यादा पार्टिकल हैं लेकिन छोटे छोटे साइज के हैं। तो हमने क्या किया, बिगर साइज के लिए और स्मॉलर साइज, तो वर्केबिलिटी देखें किस में ज़्यादा आएगी। तो देखिए आप कीजिए इसमें कि 1 किलो सीमेंट इसमें डालें और 1 किलो सीमेंट इसके अंदर आप प्रोवाइड करें। सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे तो सीमेंट तो आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि अगर हम किसी भी सीमेंट कंक्रीट में बड़े साइज का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो बड़े साइज के जो एग्रीगेट हैं उनका जो सरफेस एरिया है सब का मिला दें अगर, तो इनका सरफेस एरिया होगा कम। इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया होगा कम, और इनका सरफेस एरिया हमारा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो इनका जो सरफेस एरिया होगा चारों तरफ का, इनकी जो हम सरफेस एरिया इनका निकालेंगे तो इनका सरफेस एरिया हो जाएगा ज़्यादा। तो देखिए सरफेस एरिया ज़्यादा अगर होगा तो सीमेंट ज़्यादा लगेगा अच्छा वर्केबल बनाने के लिए, लेकिन सीमेंट हम कॉन्स्टेंट डाल रहे हैं। तो अगर इन दोनों का कंपेरिजन करें तो इसमें सरफेस एरिया हमारा कम है तो इसमें हमारा सीमेंट ज़्यादा लुब्रिकेट होगा चारों ओर तो इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, या तो आप ज़्यादा सीमेंट मिलाएं तब वर्केबिलिटी हमारी अच्छी हो सकती है, नहीं तो अगर कॉन्स्टेंट मिला रहे हैं तो हम इन दोनों सैंपल में मिक्सिंग करके देखेंगे तो इनकी हमारी वर्केबिलिटी कम आएगी। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि बिगर वाला साइज जो है इसमें सरफेस एरिया को भी मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं एस ए लिख देता हूँ यहाँ पर। एस ए का मतलब है सरफेस एरिया, सरफेस बिगर साइज यूज करेंगे तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कम। और जब सरफेस एरिया जब भी कभी कम होता है तो हमारी वर्केबिलिटी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी इसकी इस केस में बढ़ जाएगी, यानी वर्केबिलिटी हमारी ज़्यादा किसकी होगी, बिगर साइज के पार्टिकल की। लेकिन स्मॉलर साइज की अगर बात करें तो जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल हैं तो उसमें हमारा सरफेस एरिया क्या हो गया है, सरफेस एरिया इसका हमारा बढ़ गया है, तो इसका हमें लुब्रिकेशन ज़्यादा देना पड़ता, सीमेंट की मात्रा ज़्यादा देना डालनी पड़ती, लेकिन हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में कॉन्स्टेंट सीमेंट डाल दिया हमने, तो उस केस में हम ये कहेंगे अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है सीमेंट उतना ही है तो वर्केबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वर्केबिलिटी का मान कम हो जाएगी, कंक्रीट की सुकार्यता कम हो जाएगी, क्योंकि कंक्रीट के चारों ओर का एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा सीमेंट की जरूरत भी लगेगी उसको अच्छा वर्केबल बनाने के लिए। चलिए आगे हमारा टाइम टू ट्रांजिट, इसका मतलब ये है परिवहन टाइम आप ट्रांसपोर्टेशन टाइम आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी कंक्रीट को हम देर से यूज करते हैं तो हम जानते हैं उनका इनिशियल सेटिंग टाइम वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो कंक्रीट की धीरे धीरे वर्केबिलिटी लॉस होने लगती है। तो टाइम टू ट्रांजिट अगर बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे अगर हम परिवहन में टाइम ज़्यादा लगाएंगे और देरी करेंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, वर्केबिलिटी का मान कम होने लगेगा। दूसरा हमारा है शेप ऑफ एग्रीगेट के पार्टिकल के शेप कैसी होगी। तो शेप ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो देखिए दो टाइप के हम एग्रीगेट ले लेते हैं फिर दोबारा से, एक तो हमने ले लिए राउंड एग्रीगेट और दूसरे लेते हैं एंगुलर एग्रीगेट। हमने यहाँ पर क्या किया, एंगुलर एग्रीगेट इसमें भी हमें 1 kg सीमेंट लगाना है और इसमें भी हमें 1 kg, लेकिन इसमें जो आप एग्रीगेट हमारे कुछ इस तरीके के हैं, टेढ़े मेढ़े एग्रीगेट हमारे इस तरीके से, कोई ट्रायंगुलर है, कोई क्यूबिकल शेप का है, कोई फ्लैकी है, इस तरह से हमारे बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर लगे हुए हैं, इस तरह से कंक्रीट में हमारे बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर भरे हुए हैं। चलिए
तो अब हम इनकी बात करें तो जो हमारे पार्टिकल होते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी शेप के होते हैं, तो राउंड एग्रीगेट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा इसमें भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो राउंड जो एग्रीगेट है इनका सरफेस एरिया अगर बात करें तो इनका सरफेस एरिया होगा कम। इन कंपैरिजन ऑफ बात करें अगर हम टेढ़ा मेढ़ा के एग्रीगेट, इस तरीके का एक एग्रीगेट अगर हम ले लें, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा एग्रीगेट अगर हमारा इस शेप का है, तो इसका जो सरफेस एरिया हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया का मान कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। तो जब भी कभी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत होती है उसे लुब्रिकेट करने के लिए। तो देखिए सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा सीमेंट डालना चाहिए, लेकिन हम तो सीमेंट दोनों में इक्वल डाल रहे हैं, एक केजी इसमें एक केजी इसमें। तो अब हमें ये सोचना है कि जब सरफेस एरिया इसमें कम है तो सीमेंट इसके लिए भी एक केजी है, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा सीमेंट देना चाहिए भाई इसके चारों ओर सरफेस पर कंक्रीट को सुकवारे बनाने के लिए यानी वर्केबल बनाने के लिए, लेकिन सीमेंट तो हम उतना ही डाल रहे हैं। तो अगर सरफेस एरिया जब भी ज़्यादा होता है, ऊपर वाले पॉइंट में ही पड़ चुके हैं, जब भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा सीमेंट की मात्रा कॉन्स्टेंट है तो उस केस में वर्केबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहीं पर हम लिखेंगे कि राउंड एग्रीगेट में सरफेस एरिया का मान कम और वर्केबिलिटी ज्यादा, लेकिन एंगुलर एग्रीगेट में सरफेस एरिया का मान ज्यादा और उसकी वर्केबिलिटी का मान कम होता है, ये हमने यहां पर लिखेंगे। तो ये हमारे यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन बार बार पूछा जाता है, पर हमें लॉजिकली आंसर देना है इनके। और भी मैं कई तरीके ये बता सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इन वीडियो को देखते हैं सभी से यही अनुरोध रहता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी मेहनत के साथ हम आपको नए नए टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं, और जो भी वीडियो अगर कोई भी पॉइंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, तो कोई पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अब नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उसको बनाते ज़रूर हैं, हो सकता है कि तुरंत ना बना पाएं लेकिन उसको प्रोवाइड जरूर कराते हैं। तो इसमें अब हमारा कौन सा टॉपिक है, शेप ऑफ एग्रीगेट तक हम पहुंच चुके हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी चल रहा है। अगला हमारा टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, कंक्रीट का टेक्सचर कैसा है। सीधी सी बात है, अगर रफ टेक्सचर होगा तो उसकी सरफेस एरिया, उसका भी वही कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर रफ टेक्सचर है तो सरफेस एरिया ज़्यादा, राउंड टेक्सचर है यानी स्मूथ है, चिकना है, वो ऊपर से पार्टिकल हमारा गोल है तो उसमें कम सीमेंट की जरूरत होगी, और रफ है तो ज़्यादा सीमेंट की जरूरत होगी। तो हम कहेंगे रफ टेक्सचर में वर्केबिलिटी का मान हमारा कम हो जाता है, जैसे जैसे रफ टेक्सचर बढ़ेगा वर्केबिलिटी का मान कम होगा, जैसे जैसे स्मूथ टेक्सचर का मान बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि स्मूथ टेक्सचर में वर्केबिलिटी ज़्यादा आती है, और इस रफ टेक्सचर अगर ज़्यादा करेंगे हम तो वर्केबिलिटी का मान धीरे धीरे कम हो जाएगा, या तो हम साथ के साथ सीमेंट की मात्रा भी बढ़ाते जाएं, लेकिन अगर हम सीमेंट को कॉन्स्टेंट रख के कंपैरिजन करें तो हमें हम देख पाएंगे कि रफ टेक्सचर की वर्केबिलिटी हमेशा कैसे होगी, कम होगी। अगला हमारा वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, तो देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में क्या है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि ऐसा एग्रीगेट जिसमें हर टाइप के पार्टिकल उपस्थित हैं, जबकि पुअरली ग्रेडेड का मतलब ये है कि हर टाइप के पार्टिकल उपस्थित ना होकर उसमें उल्टा सीधा प्रोपोर्शन हो, किसी एक साइज के पार्टिकल ज़्यादा हैं पर किसी एक साइज के पार्टिकल कम हैं, तो इस टाइप के हम ग्रेडेशन को क्या कहते हैं, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट कहते हैं। तो वेल ग्रेडेड में देखते हैं, देख सपोज कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा पार्टिकल ये, दूसरा बड़ा, तीसरा, इस तरह से मैंने बड़े बड़े पार्टिकल चार पाँच यहाँ बना दिए। इसके बाद में जो छोटा छोटा और स्पेस बचा हुआ है इसके अंदर मैंने थोड़े इससे छोटे साइज के पार्टिकल यहाँ पर हमने लगा दिए इस तरह से, और हमने इससे जो छोटे छोटे, अब हमारे जो छोटे छोटे और शेप बची हुई है उसमें हमने और छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर लगा दिए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होते हैं उनमें वॉइड्स का मान बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल हैं उनके जो अंदर बड़े बड़े वॉइड्स बचेंगे उनके अंदर थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल चले जाएंगे, और जो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर और वॉइड्स बचेंगे उनके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल चले जाएंगे, जो सबसे छोटे छोटे बचेंगे उनके अंदर सैंड चला जाएगा, और जो सैंड के भी पार्टिकल छोटे छोटे उनमें सीमेंट चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट में वॉइड्स कम होते हैं, यानी हम यहाँ पर कहेंगे वॉइड्स का मान कम होता है किसमें, वेल ग्रेडेड में। वेल ग्रेडेड की अगर हम बात करें तो वॉइड्स का मान है कम, लेकिन अगर हम बात करें पुअरली ग्रेडेड, पुअरली कभी तो बड़े बड़े पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, इस तरह से कोई ग्रेडेशन नहीं है, एक ही साइज के हैं यहाँ पर छोटे मोटे, इस तरह से पार्टिकल का मतलब कुल मिलाकर यह है कि सभी टाइप के पार्टिकल उसके अंदर अब है नहीं, कुछ एक ही साइज के बहुत ज़्यादा हैं या कुछ बहुत छोटे बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में वॉइड्स का मान इसमें बढ़ जाता है।
वॉइड्स का मान अगर बढ़ेगा तो सीमेंट ज़्यादा लगेगा, अगर वॉइड्स का मान कम होगा तो सीमेंट कम लगेगा। तो जो फाइन एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं फाइन एग्रीगेट की फॉर्म में, वो भी हमारे ज़्यादा खपत होगी इनमें। तो हम ओवरऑल ये कहेंगे कि अगर इक्वल सीमेंट डाला जाए तो वर्केबिलिटी का मान वेल ग्रेडेड में ज़्यादा आएगा, जो अच्छी तरीके से ग्रेडेड है। तो हमारे वेल ग्रेडेड में अगर हम बात करें तो वेल ग्रेडेड में वर्केबिलिटी का मान ज़्यादा आता है, जबकि वर्केबिलिटी का मान कम आता है किसके अंदर, पुअरली ग्रेडेड के अंदर। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, ग्रेडेशन का पर किस तरीके से वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। तो वर्केबिलिटी वेल ग्रेडेड का मतलब आप समझ गए कि हर टाइप के पार्टिकल उपस्थित हो तो हमें सीमेंट की कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम सीमेंट अच्छी मात्रा में डालेंगे तो वर्केबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन इसमें हम सीमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा भी डालते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है कि उस सीमेंट हमारा वॉइड्स में चला आया था, वो वर्केबिलिटी के लिए वर्क यूज़ नहीं होता। अगला हमारा है एडमिक्सचर्स की बात करें तो देखिए एडमिक्सचर्स क्या है, पहले मैं बताता हूँ। कंक्रीट में कुछ विशेष गुण उत्पन्न करने वाले पदार्थ, जैसे कि ठंडों के दिनों में हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो फ्रीज हो सकती है बहुत जल्दी से, तो कुछ ऐसा मिलाएं जो कंक्रीट फ्रीजिंग ना हो, उसकी जम ना जाए, या फिर हम बहुत ज़्यादा हॉट एरिया में यानी गर्म क्षेत्रों में अगर हम कंक्रीटिंग करें तो हम देखते हैं कि पानी की मात्रा बहुत जल्दी सूख जाती है, तो हम कुछ ऐसे एग्रीगेट मिला दें जिससे कि उस गर्मी का इफेक्ट हमारा कंक्रीट में ना पड़े। तो कुल मिलाकर ये है कि कंक्रीट में मिलाए जाने वाले ऐसे कुछ पदार्थ, ऐसे कुछ विशेष पदार्थ जो कंक्रीट में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडमिक्सचर यानी सम्मिश्रण, इन्हें हिंदी में कहते हैं। तो मैंने एक सम्मिश्रण ऐसा है हमारा है और भी, लेकिन एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स हमारे मेनली वर्केबिलिटी को इफेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए एडमिक्सचर की बात करें, एयर एंट्रेनिंग एजेंट, तो यानी कि हमारे जो एयर एंट्रेनिंग एजेंट हैं कौन कौन से, जैसे कि हमारा जिंक पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जिंक और एल्युमिनियम पाउडर का नाम अक्सर पूछा जाता है। नेचुरल वुड रेजिन यानी प्राकृतिक हमारा लकड़ियों का रेजिन हो, या फिर हमारे वेजिटेबल या फिर एनिमल फैटी एसिड हो, अगर हम कंक्रीट में मिलाते हैं तो उसमें होता क्या है, कंक्रीट में अगर आप ऐसा मिलाएंगे तो बहुत ही छोटे छोटे बबल्स हमारे, बहुत ही छोटे छोटे बबल्स हमारे क्या होते हैं, वायु के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं कंक्रीट के अंदर। और जब भी कभी वायु के बुलबुले ये उत्पन्न होते हैं, हालांकि इनकी स्ट्रेंथ घटा देते हैं ये, लेकिन इनकी वर्केबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो हम कहेंगे कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट मिलाने से वर्केबिलिटी का मान पर क्या फ़र्क पड़ता है, वर्केबिलिटी का मान हमारा बढ़ जाता है। बाकी डिटेल में हम इन जब एडमिक्सचर चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये फिर दोबारा से टॉपिक आएगा एयर एंटरनिंग एजेंट, वहाँ पर हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट किया करें, आपके कमेंट हम पढ़ते भी हैं और उनका रिप्लाई भी देते हैं। तो कैसी रही हमारी क्लास, अगली क्लास में हम, ये हमारा वर्केबिलिटी का पार्ट वन था, पार्ट टू में हम बात करेंगे स्लम टेस्ट की, फिर बीवी कंसिस्टोमीटर, फिर कॉम्पैक्शन फैक्टर, फ्लो टेबल, फिर कैलिबॉल टेस्ट। तो ये पांच पार्ट हैं वर्केबिलिटी से रिलेटेड। तो सारे पॉइंट्स जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इसमें सभी, आप चाहे फिर कोई भी वर्केबिलिटी से रिलेटेड किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका बहुत ही आसानी सॉल्व होगा, वो आपको आता हुआ होगा। तो बस यही है कि लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहें, चाहे वो लेक्चर ये वाला हो या फिर कोई और लेक्चर हो, कंटिन्यू लेक्चर देखें तभी आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और स्किप ना करें वीडियो को, यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी स्टूडेंट्स से। थैंक यू स्टूडेंट्स।